आज शुरू हो रहा है इस घर का यानी कि हमारे घर का दिवाली क्लिनिक। ये घर नया नहीं है पर हमारे लिए नया है, पर जो इतना नया घर हमें मिला है कि दिवाली क्लिनिक मतलब अच्छा खासा करना पड़ रहा है। तो आज आएगा इस घर के जितने भी सारे कीड़े हैं उसका शामक। तो इस तरह से आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा प्रेशर में है हम, क्योंकि पूरा घर आज हम पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे, तो पेस्ट कंट्रोल वाले आते ही होंगे। तो उससे पहले मैं इस ब्लॉग को शुरू करी, उसके बाद मैं अपना मुँह ऐसे बंद रखूँगी, शायद वॉइस ओवर में आपको मुझे बात करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम में बात करना सेफ नहीं है। तो बस इस तरह से पूरे घर के कोने कोने में जितने भी कीड़े हैं मकोड़े हैं सबको भगाना है, और उसके बाद मेरा और मासी हम दोनों का मिलके मतलब दो तीन घंटे का शायद रेस्ट देना पड़ता है ना। ऑस्कर भी तो कीड़े के अंदर ही आता है। दिन ब दिन तुम्हारा हिम्मत बढ़ता जा रहा है। ऑस्कर है कीड़ा? नहीं, अच्छा अच्छा, सर का कीड़ा जाता है उसमें? मिथुन के सर में जैसे कि पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कीड़ा है। दिवाली सामने है और बाकी जो सारे नेगेटिव चीजें हैं उसको हम इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव बातों की तरफ हम आते हैं। तो आज होगा दिवाली का नाम क्यों रखा है पता है क्या? क्योंकि दिवाला निकलता है। हस्बैंड का दिवाला अगर निकलता है तो वाइफ का भी दिवाला निकलता है क्लीनिंग करते हुए। तो दोनों ही पे करते हैं, तू पैसे से और हम अपने मेहनत से। सही किया ना बात आपने सही किया, और इसके लिए सॉरी, तहे दिल से सॉरी आप सबको। अब लाइन पे आए, एक एक चीज को आपको पकड़ पकड़ के क्लीन करना पड़ेगा। पूरा स्प्रे जब करते तो पूरे घर में फैल जाते हैं, तो देखते हैं इनका क्या प्रोसेस है। सो गाइज, आज मैं जो पेस्ट कंट्रोल सर्विस ले रही हूँ ये है रेंटोकिल PCI, और ये लोगों की सर्विस मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये लोग सेफ्टी मेजर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग सैनिटाइज करें हर एक चीज़, उनके शूज़, शू कवर है, फिर जो जो जगह उन्होंने टच किए सारे जगह वो लोग बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया है। और उसके बाद ये लोग एक पेपर बिछा के वहाँ पे अपने बैग को रखा है, उसके बाद ही सारे चीज़ें एक एक करके निकाला है। और इनके ये जो सेफ्टी मेजर है मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले टॉर्च से पूरे किचन और सारे घर के कोने कोने अच्छे से देखा है कि कहाँ पे ऐसे कॉकरोचेस या एंट रहने के चांसेस है, ये सब देख के उसके बाद ही वो लोग कॉकरोच जेल और एंट जेल जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा भी कुछ सलाह उन्होंने ली है, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे घर के कहाँ कहाँ पे कॉकरोच और एंट के चांसेस ज़्यादा है, तो उस जगह पे बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेफ्टी के साथ जेल उन्होंने इंजेक्ट की है। एंड गाइस, ये जो पेस्ट कंट्रोल सर्विस मैंने लिया है इसके दो कारण है, एक है पेस्ट से मुक्ति मिलना और दूसरा ये है कि पेस्ट बॉर्न जो डिजीजेस होते हैं ना उसके कारण हमारे इम्यूनिटी इंपैक्ट होता है। और ये अभी जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है इस टाइम में इम्यूनिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि पैंडेमिक के टाइम में हमारे घर में आके इस तरह से हमारे सेफ्टी को बरकरार रखते हुए वो अपनी सेफ्टी को बरकरार रखते हैं जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ना, इसलिए रियली मैं अप्रिशिएट करती हूँ रेंटोकिल PCI को। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैप यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे एक टैबलेट जैसा कुछ है जो इसके साथ स्टिक हो गया है। अभी इसे बंद करके किचन के कोने कोने पे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है वो ट्रैप यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि सिंक के नीचे, फिर किचन कैबिनेट पे और एक फ्रिज के साइड में। उसके बाद जो सर्विस उन्होंने दी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कि पेस्ट कंट्रोल के टाइम में जो सारे जगह पे टच हुआ है तो पूरे फर्नीचर को सैनिटाइज करके दिया है ताकि वहाँ पे कोई भी कीटाणु ना रहे, कोई भी जर्म ना रहे। फ्रिज के हैंडल्स, नल वगैरह सारे चीजें वो लोग अच्छे से क्लीन करके गए है। और अभी होगा स्प्रे, तो अभी होगा फुल हाउस स्प्रे। तो ये स्प्रे करने के टाइम में आप देख सकते हैं जैसे कि PPE सूट पहन के ये लोग काम करते हैं, और उसके साथ साथ ग्लोव्स पहनते हैं, फिर शू कवर जो है वो तो है ही, मास्क, कैप, हर एक चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशन लेके ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा ताकि उनका भी सेफ्टी हो और हमारा भी। कॉर्नर पे एक डस्टबिन लगाया गया है जो कि उन लोगों ने प्रोवाइड की है। Thank you.
इस डस्टबिन के अंदर काम खत्म होने के बाद सारी चीजें डाला जाएगा और उसके बाद इसे लेके वो लोग डिस्पोज कर देंगे, आपका कोई भी हेडेक नहीं रहेगा। इवन वो लोग पीपी सूट को नाइफ से कट करके डस्टबिन पे डाल रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि ये सूट बाद में किसी के भी अगर हाथ लगे तो वो दोबारा इसे यूज ना कर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आपसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा जो कूपन कोड है, मेरा कूपन कोड है सेफ सेलिब्रेशन 2020, इस कूपन कोड को यूज करके अगर आप इनके कॉकरोच और कॉम्प्लीमेंटरी डिसइंफेक्शन सर्विस अगर बुक करते हो, आपको उस सर्विस में मिल जाएगा 20% का ऑफ। बुक कीजिए, अपने घर को पेस्ट कंट्रोल कीजिए और इस दिवाली में अपने घर को सेफ कीजिए। एंड गाइस, पूरे सर्विस खत्म होने के बाद वो लोग जब जा रहे तो वहाँ पे मुझे एक सर्विस डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा और वहाँ पे इस सर्विस के बाद क्या क्या डूज और डोंट्स है वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझा के गए हैं, तो उस हिसाब से मैं आगे काम करूँगी। अभी तक फ्लोर वगैरह क्लीन नहीं हुआ तो इसलिए ऑस्कर को वहाँ पे बंद करके रखा है, तो सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ अभी नया बिछाना पड़ेगा वो एक जुट तुम्हार, और उसके बाद पूरे फ्लोर क्लीन करना पड़ेगा, फिर ऑस्कर को हम छोड़ सकते हैं। कार में घूमते रहे बाहर, हाँ मैं आर्यन मासी हम मतलब सब मिलके बाहर घूमते रहे बाहर ही, आज हमने लंच की और सर लीक करता है ना पूरा फ्लोर, जो भी देखेगा लीक करता है ऑस्कर का, एक रूम को जस्ट अभी तक क्लीन किया, एक रूम को क्लीन करने के बाद उसको उस रूम में डाल के रखा और अभी ये सारे करना पड़ेगा। जो भी करना था किया और अभी चल रहा है घर के शाम के टाइम में, मतलब शाम हो चुका है तो अभी चल रहा है किचन में खाना बनाना, क्योंकि अभी मतलब रात को हम थोड़ा सा घर का बना हुआ खाना खाएंगे और पूरा किचन विचन क्लीन करना हुआ और दोनों मिलके जब हम कर रहे थे तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई एक्चुअली, क्योंकि वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और स्पेशली ऑस्कर के लिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, पर ऑस्कर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता, हर एक फर्नीचर को पकड़ पकड़ के उसे क्लीन करना पड़ा। तो मिथुन गए हैं थोड़ा सा बाहर नहीं मतलब पार्क स्ट्रीट गए हैं यहाँ से काफ़ी दूर, क्योंकि मेरा ऑडियो कैमरा था एक छोटा सा जो मेरा ब्लॉगिंग का कैमरा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो कैनन का सर्विस सेंटर में गए हैं वहाँ पे उसे सर्विसिंग के लिए दिया है और एक लेंस भी लेके गए है। सच बोलूँ तो एक्चुअली मिथुन भाग गए ताकि उनको कोई भी क्लीनिंग ना करना पड़ा, तो इसके कारण और वो मैं जानती हूँ, फिर भी कुछ जाने दिया क्योंकि मेरा कैमरा जो था वो भी खराब हो चुका था। ग्लास डोर बंद करना भूल गई थी तो यहाँ तक आ गया पानी, देखो अगर पानी आ जाता है ना यहाँ पे तो व्हाइट फ्लोर है बिल्कुल मिट्टी ऐसा कि पैर का पूरा छाप ऐसे हो जाता है। सब मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि एवरी डे ना नहाने के बाद अगर यहाँ पे पानी जमा हो जाते तो वहाँ पे अगर पानी आप पास कर दो तो जाके ठीक ठाक रहता है। हाँ वाशी की बोल रहा है, হ্যাঁ হ্যাঁ ডালটা একটু পাতলা রাখো, হ্যাঁ সেটাই ছোলার ডাল খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়, ওটা একটু পাতলা রেখে দাও আর মাছের জলটা, হ্যাঁ আর পাতলা রাখলে কি হয় বলো তো পরে একটু জাল দিলে পরে ওটা ঘন করা যায়, ঘন হয়ে গেলে পরে একটু মুশকিল। মেরা দোনো লাল ইয়া পে সোয়ে হুয়ে হে অস্কার নো 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 নো
डेड आइस चैट। आ जाओ ये रहा हिलशा फिश, अभी रात को जाके लेके आए। एक्चुअली जहाँ बाजार में जहाँ पे हम रेगुलर फिश लेते हैं उनको बोल के आए थे कि बांग्लादेश का फिश जब आएगा तो मुझे बोलना, तो आज सुबह फोन किया था तो बांग्लादेशेर इलिश। अभी इसे अच्छे से क्लीन करके रखना पड़ेगा। ओ वाओ, ए बिस्किट लो पहले तुम्हें। ओ सोनिया बाबा, जब भी हम बाकुला जाते हैं ना तो ये बिस्किट भाई लाता है। मिथुन और मुझे हम दोनों को आइडेंटिटी तो पसंद नहीं है, हम दोनों को इतना पसंद है ये बिस्किट। गोवा गए थे घूमने तो सोचा था कि बहुत ज्यादा रिफ्रेश होके वहां से आएंगे, वहां पर सब कुछ बंद था। जो रिजॉर्ट में हम थे वो रिजॉर्ट का भी बहुत सारा फैसिलिटीज बंद था, पर अभी जो लोग जा रहे हैं सेम रिजॉर्ट में हर एक फैसिलिटी जो कि बंद था वो सारी चीजें ओपन हो चुका है 1 नवंबर से। और मिथुन ने मुझे बोला भी था कि अभी भी सोच के देखो 1 नवंबर से सब चीजें खोल रहा है, सब चीजें रिलीज हो रहे हैं, तो अगर एक दो दिन हम ज्यादा स्टे कर जाएंगे तो शायद यहाँ तक आने का थोड़ा सा और मजा ले पाओगे क्योंकि पूरा घर बंद था। नहीं, एनिवर्सरी का मौका हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, गोवा का 31st ऑलवेज ऑसम होता है। गोवा का 31st नाइट जो मेरा ड्रीम था दिसंबर में या तो एनिवर्सरी में फिर से हम गोवा जाए। उदयपुर जाने का भी बहुत मन है, गोवा जाने का भी और एक बार बहुत मन है। अभी दोनों में कौन सा हम तय करते हैं ये देखते हैं, क्योंकि जो भी हमें तय करना है दिसंबर के अंदर तय करना है, उस हिसाब से होटल बुकिंग टाइप तो आप कभी ले सकते हो, पर होटल बुकिंग वगैरह करना पड़ेगा। ले जाने के लिए और आर्यन का 2-4 दिन बाद आएंगे। বাবুনি তো দেখি চলে যাচ্ছে, গামছা দিয়ে সম্মান করে তোমাকে আমি কম্বল দিয়ে সম্মান করলাম।
मिथुन के अलावा तो आज इस वीडियो पे यही पे एंड करते हैं। मिथुन तो भाग गए थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि पार्कस्टिक भाग गए थे सारे क्लीनिंग के नाम पे, तो बोला नहीं तुम्हारा कैमरा रेडी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक उनको याद नहीं था कि मेरा कैमरा रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही उनको याद आया कि कैमरा रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी दिवाली के लिए। तो दिवाली के लिए अभी भी टाइम बाकी है। तो बाय द वे जो भी सच होता है मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ और सबको एक्सपोज कर डालती हूँ। आज इस वीडियो को हम एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।